सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक जैसे बड़े वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर आपने 6 टायर वाले ट्रक सड़कों पर दौड़ते हुए दिखे होंगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे ट्रक भी देखे होंगे जिनमें 6 से ज्यादा टायर होते हैं। ट्रकों में वजन की कैपेसिटी के हिसाब से टायरों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे ट्रकों में आपने गौर किया होगा कि कभी कभी इनके कुछ पहिए हवा में लटक रहे होते हैं और ट्रक बाकी के पहियों पर ही चल रहा होता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जब 6 पहियों से काम चल रहा होता है तो फिर बाकी टायर क्यों लगाए जाते हैं? दूसरा सवाल यह है कि सभी के दिमाग में आता है कि अगर इन टायरों की आवश्यकता है तो फिर इन्हें हवा में क्यों रखा जाता है? ज्यादातर देशों में ट्रकों पर वजन लोड करने की सीमा होती है, जिसे पूरे वाहन के वजन तथा प्रति एक्सल से मापा जाता है। ये सीमाएं ही सुनिश्चित करती हैं कि ट्रक सड़कों को ओवरलोड किए बिना और राजमार्ग को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से ड्राइव कर सके और सुरक्षित रूप से पुल आदि को पार कर सके। टायरों के वजन उठाने की भी अपनी एक सीमा होती है। जब किसी ट्रक को भारी वजन उठाने के लिए बनाया जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सल की जरूरत पड़ती है। ट्रक में जितने ज्यादा एक्सल होते हैं उतना ही ज्यादा वजन चारों ओर बढ़ जाता है और प्रत्येक एक्सल पर उसी क्षमता के अनुसार वजन बढ़ जाता है। इसलिए ट्रकों की ज्यादा वजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाने और प्रत्येक टायर पर पड़ने वाले वजन को कम करने के लिए इसमें अतिरिक्त टायर लगाए जाते हैं। हवा में उठे इन टायरों को देखकर कुछ लोग समझते हैं कि स्टेपनी के टायरों को रखने का कोई नया तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर पहियों वाले ट्रकों में जो पहिए हवा में होते हैं उन्हें ड्रॉप एक्सल कहा जाता है। दरअसल जब ट्रक में ज्यादा लोड नहीं होता और इन अतिरिक्त पहियों की जरूरत नहीं होती तो एक्स्ट्रा टायर ऊपर उठा दिए जाते हैं ताकि टायर को खराब होने से बचाया जा सके। वहीं जब ट्रक फुल लोड होता है तो वजन ज्यादा होता है तो ट्रक के फ्रंट एक्सल पर वजन को कम करने के लिए इन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। तब वह दूसरे टायरों के साथ ही जमीन पर चलते हैं और ट्रक के वजन को साझेदारी से बांटते हैं। हालांकि अधिक धुरी यानी एक्सल होने के कुछ नुकसान भी होते हैं। इससे टायर की उम्र कम हो जाती है और वह जल्दी खराब हो जाते हैं। जमीन पर रोलिंग बढ़ जाने के कारण डीजल की खपत भी बढ़ जाती है और ट्रक की स्पीड स्लो हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।